गुरुग्राम का सेक्टर 12 का वही चौक है जहां पर पिछले शुक्रवार को नमाज हो रहा था। आप देखिए, ये वही जगह है सेक्टर 12 का जहां पर नमाज हो रहा था। और ये जितनी भी दुकानें हैं, ये दुकानें यहां पे हैं और ये खाली जगह है जिस खाली जगह पर नमाज की जा रही थी। और यहां आपको ये तस्वीर जो दिखाऊँ सामने, जो यहाँ खाली दिख रहा है, या फिर ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, इन गाड़ियों के पास हिंदू सेना के लोग थे, हिंदू रक्षा दल के लोग थे। अब वो आकर विरोध कर रहे थे इस नमाज का कि ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ सामने दुकानें हैं और इन दुकानों के पास ये नमाज किया जा रहा था। और नमाज जो लोग कर रहे थे उसमें जो चेहरे सामने आए, हालांकि पहचान तो नहीं कि कौन कौन से लोग थे, लेकिन अब यह मामला सामने आ रहा है कि जो लोग भी नमाज अदा कर रहे थे वो बाहरी थे। उसमें एक शख्स शहजाद का नाम आ रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो नमाज ये लोग कर रहे थे, उस दिन की तस्वीर है। और उसमें आप देखिए कि उस दिन ये लोग नमाज अदा कर रहे थे, बगल में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। और अब ये जो दुकानदार हैं, आइए इनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उस दिन नमाज हो रहा था, जो विरोध हो रहा था, उसमें इन लोगों का क्या कहना है। और आखिर ये जो दुकान है वो हिंदू के हैं या मुसलमान के हैं। अमूमन जो ये देखिए प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरर यानी फर्नीचर की कुछ दुकानें हैं, कुछ कप प्लेट्स यहाँ रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये कुछ लोग भी यहाँ इकट्ठा हैं, शायद ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें हिंदू सेना के लोग भी शायद हैं और ये दुकानदार है। आइए इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये परेशानी बनी हुई है। डर लग रहा होता है कि कौन है अचानक से आगे हमें ना पकड़ के सीधा, क्योंकि हमारे सामने हम भी मुंबई हैं और हमारे सामने ही चीज़ें हो रही हैं। सब जैसे आप सब बोल रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, हम मना कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। मना से मना किया सर, आवाज़ तो डर रही है। नहीं नहीं सर, कभी आवाज़ डर रही है आपसे, कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम रहीस खान और यहीं के हम रहने वाले हैं। फादर भी हमारे, मेरी पैदाइश यहीं की है, 42 ईयर्स मेरी उम्र भी हो गई है। और जो ये नमाज का इशू चल रहा है, इसको हम लगातार 2-3 बार से मैं मना करता हुआ आ रहा हूँ इसको। तो एक तरीके से ज़बरदस्ती ही लगा लो, हमारे काम धंधे में भी फ़र्क पड़ रहा है इससे, और डर का माहौल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल हो जाए नॉर्मल, जैसे हम पहले से खाते कमाते आ रहे थे, पहले की ही तरह ही हो जाए दोबारा से। हमारे को मतलब वैसे तो किसी का वो नहीं मिल रहा है कि भाई हम आपको डरा रहे, धमका रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेकिन जो एक स्थिति बनी हुई है, मना करने के बावजूद भी एक सामने वाला है जो ज़बरदस्ती बोल रहा है कि हम यहाँ पे नमाज ही करवाएं। कौन कौन कहता है कि शहजाद? कौन है शहजाद? चेयरमैन ही है, बताते हैं। आप मुसलमान हैं? आपकी ये दुकान है? मेरी दुकान है। अभी पिछले फ्राइडे को यहाँ परेशानी जो हुई थी नमाज, कितने सालों से यहाँ नमाज होता है आपके यहाँ? यहाँ तो ज़्यादा ये 4 बार हुई है, 5वीं 6वीं बार नमाज हुई है बस। तो 5 साल से वो जो उस दिन जो नमाज लोग कर रहे थे आपके दुकान के सामने, तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि यहाँ क्यों कर रहे हो? आप भी तो नमाज अदा करते हो। पहले तो हमने बहुत बार मना किया था, अब की बार जो प्रशासन था हाँ। हम तो बिल्कुल ही साइड में थे। तो आपकी दुकान के सामने कोई कैसे नमाज कर सकता है बिना आपकी इजाज़त का? सरकारी लैंड बता रखी है वो हाँ। सरकारी लैंड, हम तो इसके जिम्मेवार हैं, हमारे तो अंदर वो घुस नहीं सकते। सरकारी लैंड बताते हैं तो भाई ठीक है जी, उनके पास वो परमिशन दिखा रहे हाँ। तो ठीक नहीं। रईस भाई आप बताओ, आपकी दुकान यहाँ कितने सालों से है? यहाँ पे हमें 25 साल और पंडित जी की जगह में हमारे को 40 साल। इस यहाँ पे 40 साल से दुकान? 25-40 साल यहाँ पे दुकान है। 40 साल पहले यहाँ से कहीं कोई नमाज नहीं होता था? अब भी कभी नहीं। तो जो लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, उनको आप पहचानते हो जो नमाज यहाँ अदा करते हैं? पहचानते हैं, देखो कोई मिस्त्री है, कोई कारीगर है, आस पास की दुकानों पर ये काम करते हैं, ठीक है। और ये कोई जो होता थोड़ी बहुत, मतलब जो लोग नमाज यहाँ अदा करते हैं उनको आप किसी को नहीं जानते? इसका मतलब है कि ये बाहरी लोग हैं, कहीं बाहर से आते हैं, बाहर से आके यहाँ नमाज और जबरदस्ती आपके साथ भी जबरदस्ती करते हैं? कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन जो है सच्चाई ये है कि हम परेशान हैं। तो क्या परेशान है? तो आपने पुलिस को कोई लिखित शिकायत दी कि आपके सामने माहौल यहाँ खराब किया जा रहा है? नहीं है जी, अब आपके माध्यम से ही हम चाहते हैं कि बस महकमा सुन ले और किसी तरीके से इस चीज़ को यहाँ से ठीक है क्लियर करते हैं। क्या नाम है आपका? आप भी उस दिन नमाज अदा कर रहे थे यहाँ? उस दिन मैं नहीं था। अच्छा, यहाँ आप कैसे, यहाँ आपका क्या है? यहाँ अपना काम होता है। कहाँ पे? अच्छा, ये दुकान है यहाँ आपके? तो जो बाहर नमाज का जो इशू चल रहा है आपकी दुकान के बाहर का चल रहा है? क्या है मामला? मामला ये है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। किस से? ये नमाज होने से परेशानी हो रही है। हाँ ठीक है जी। दूसरी बात, मना भी काफी किया। हाँ ठीक है, नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा है? शहजाद जी हैं जो, हाँ वो नहीं मान रहे। परमिशन दिखा देते हैं कि हम तो सरकारी जगह पर करा रहे हैं। तो उनसे आपने ये नहीं पूछा कि हमारी दुकान यहाँ 25 साल से है और आप 4 बार से यहाँ नमाज कर रहे हो? बोलता है कि
हमसे कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है, सरकारी जगह पे करा रहा हूँ। ये बात कह के वो अलग इंटरव्यू देता है, मीडिया आती है। अच्छा, वो मीडिया लेकर आते हैं, अपना इंटरव्यू कराते हैं। करा चुकी है। अच्छा, तो क्या उनके खिलाफ आप लोग लिखित शिकायत दे रहे हो? खिलाफ नहीं दे रहे सर, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें खत्म हो जाए। हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमारा काम वाम सब खत्म। नहीं, सवाल देखो यह है कि अगर आप पहले से यहाँ नहीं हो रहा है और बाहर का कोई व्यक्ति आता है आपके सामने बैठकर, वो कौन है, क्या रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, या कुछ वैसे आतंकवादी टाइप के लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? आपकी 25 साल से दुकान है तो अमूमन आप जानते होंगे कि कौन है कि हम नहीं जानते। कोई नहीं है, कोई जानकार नहीं है। शहजाद को इसलिए जानते हैं, शहजाद को कई बार मिले हैं, सराय गांव से, वो पालम बिहार से। हाँ भाई, इतना तो पालम बिहार का आदमी यहाँ क्यों करता है यार नमाज? सर हमें नहीं पता इस चीज़ का। नहीं, आप भी आप उस कौम से हैं। हाँ। आपको ये होता है कि जो व्यक्ति बाहर का है वो आकर यहाँ नमाज करेगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है ना? इस बात से कुछ नहीं होता, वो बात आप उससे पूछो जी, शहजाद से जो भी है। आपने सुना किस तरह से जो दुकानदार हैं, ये मुस्लिम युवकों की दुकानें हैं और इनके सामने ही ये नमाज अदा हो रहा था, जिस पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और जो लोग जो नमाज करा रहा था, मैंने पहले ही बताया कि जो शहजाद नाम का व्यक्ति था जो नमाज अदा कर रहा था और कराता है ऐसे, या माहौल ख़राब करने की कोशिश का आरोप जिस पर लग रहा है, वही शख्स आकर यहाँ जबरन नमाज भी कराता था और ये लोग कंटिन्यू विरोध कर रहे थे। एक बात और आपने गौर किया, एक बार फिर सुनिए दोबारा, कि जब हमने यह जानने की कोशिश की कि क्या यह नमाज कब से हो रहा था, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि करीब 25 साल से यह दुकान है, लेकिन 3 या 4 हफ्ते से यहां नमाज हो रही है। कुल मिला के साफ लग रहा है कि किस तरह से लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा वाक्य माहौल ख़राब करने की है। ये अम्मा आई हैं, आइए इनसे जानते हैं, चूँकि ये इस दुकान की मालकिन हैं और ये क्या कुछ हालांकि रोष में है, आइए इनसे जानते हैं। इनका बाप नहीं है उनके ऊपर, अभी 3-4 महीना हुए मरे, तो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में बवाल उठा दिया, एक्सपायर हो पड़े हैं, ऐसी बातें सुन लोगों को, हम अपने शोक मना रहे हैं, अपने 6 महीना खत्म है, हम गए उनकी आ रही कि हाँ इस्लाम करा रहे हैं, 40 साल से मेरे को 20 साल हो गए यहाँ नौकरी करते, लेकिन कभी नहीं, भंडारा कराते हर साल, भंडारा हर साल कराते। हाँ तो क्या क्या हो गया, बताइए, मेरे बात को तंग ना करो, बताओ बताओ। जब हमने कोई परेशानी ना है, हाँ नमाज पढ़ो, हमने कोई हमारे बच्चे ने जीवन दो। अच्छा, हम नमाज नहीं पढ़ा था, हमारा कोई मेटल ना है यहाँ से। हाँ। हमारे सब के खिलाफ खड़े हैं, हम तो भैया दुकान भी खाली कर देंगे यहाँ से। हाँ। ऐसे समझ में, हमारा कोई मेटल ना है यहाँ पे, नमाज पढ़ो जो मर्जी करो, हमारे बच्चे ने बख्शो नहीं। वही कह रहा हूँ कि जो नमाज लोग पे देखिए, तो कौम की बात है, सब लोग करते हैं, कौन नमाज कराता है, कौन पढ़ाता है और कौन हमें तंग कर रहा है, तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हो जो लोग तंग कर रहे हैं? बोला मीडिया वाला, उसको मीडिया वाला हमारा सुनाई नहीं कर रहा। कौन है वो व्यक्ति जो तंग करता है? लेडीज आई है यहाँ कई बार, कौन तंग कौन करता है आप लोगों को? जब तंगी कर रहे हैं, जब नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ, क्यों तो पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ता है नमाज? 40 साल से जो भी पढ़वा रहा है, हम 40 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई ये बता दे हमारे बच्चे कैसे हैं। अब चाहे कोई हमारे खिलाफ बेशक हो जाओ, बाकी मेरे बच्चे एक नंबर के बच्चे हैं, लेकिन मैं यहाँ से खाली कर दूंगी, बंद कर दूंगी, रोजी रोटी आज भी खत्म है, कल भी खत्म है, बाकी हम यहाँ निवास नहीं होनी चाहिए। तो वो जो आपके लोग हैं, वो आप ही कौम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, कौम के पीछे चलते तो हम ऐसी बात ही ना होने देते, हम किसी कौम के पीछे ना है। तो आखिर वे लोग क्या चाहते हैं जो लोग ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हम नहीं चाहते यहाँ कोई बवाल हो, बस मेरे बच्चे ने कोई तंग ना करे। अम्मा की गुस्से का आपने देखा, और साथ ही एक और वीडियो क्लिप आपको दिखा रहे हैं कि जिस वीडियो में देखिए किस तरह से जो शहजाद है और बाकी जो लोग हैं वो किस तरह से इस हिंदू संगठन पर आरोप लगा रहे थे, इस नमाज के विरोध की बात कर रहे थे, वो अब क्या कह रहे हैं? रंजीत जी, ओ तो आपको शहजाद ने पौआ पिला कर ऐसे उल्टा बोलवा दिया? मेरी थोड़ी आदत है शाम को दो घूंट काटने की, इसलिए तो क्या मतलब जी, मैं कह रहा हूँ शाम को दो घूंट पीने की आदत है, यही बैठी ठीक है, वो मेरे को बिठा लिया उसने, आप भी कहो बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, निकल गया क्या नाम है आपका? रंजीत है जी मेरा नाम। अच्छा अच्छा, उस दिन रंजीत जी आप यहीं से रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ कहीं रहे, रंजीत है जी। रंजीत जी क्या मामला था यहाँ ये नमाज का, कौन विरोध करा रहा था, कौन नमाज का वो करवा रहा था? शहजाद जी मुझे ये तो मना करते हैं जी खूब। हाँ वो शहजाद जी बोले जी आप कहाँ रहते हो, मैं
मैं तो इस्लाम के साथ कबाड़ी का काम करूँ। अच्छा 40 साल होगी जाट हूँ मैं वैसे भी। हाँ हाँ हाँ। और फिर वो सजाद बोला भाई तेरे को कोई इतराज में जी भगवान का नाम लेने मेरे को कोई नहीं है, बाकी यहाँ ना मत करो आप मैजिक में कर लो कहीं और कर लो। बोला तू एक बार हमारे साथ बैठ जा। हाँ। मैं चलो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं तो शाम को मैं कौवा देसी का पी लेता हूँ। इधर इधर कैमरे पर शख्स कह रहा है कि इसने पौआ पी रखी थी और बहला फुसला कर इसके इसके खिलाफ बुलवाया जा रहा था। आइए अब हिंदू संगठन के लोगों से बात करते हैं, यहाँ लोग मौजूद हैं और यहाँ इनसे बात करेंगे या जानेंगे कि क्या आखिर वजह क्या है, क्यों नमाज को लेकर गुरुग्राम पूरे विश्व स्तर पर हॉटस्पॉट बना हुआ है, और इनसे जानकारी लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं अदालत में था, भाई साहब भी अपने काम से थे, जो हमारे इस्लाम भाई हैं उनके बच्चे इन्होंने हमें बुलाया और इसलिए मैं यहाँ पर आया। हमने पूछा मैं बताओ क्या मामला है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम चाहते हैं नमाज ना हो, तो मैंने कहा आप अपना विरोध करो। तो इन्होंने कहा जी हमने शहजाद को कई बार बताया कि भाई यहाँ नमाज अदा ना करो ना करो ना करो, लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है नमाज अदा करा। तो आप हम आपके चैनल के माध्यम से जो हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहाँ ही के लोग विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम भाई इस दुनिया में नहीं है उनके बच्चे विरोध कर रहे हैं। अभी आपने उनके दोनों बेटों से बात की, उनकी जो बेवा है उनसे आपने बात की है, उनका भी यही कहना है और हम भी यही कहते हैं कि भाई अपने नमाज अदा करो, मस्जिद में जाके नमाज अदा करो, गुरुग्राम के अंदर खुले में कहीं पर भी नमाज अदा ना करो। किस बात के लिए आप जो जानबूझकर ज़बरदस्ती जो है इस्लाम के अंदर भी आप इस प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। भारद्वाज जी, अमूमन जब हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, जिसके नाम कि वह व्यक्ति यहाँ नमाज करवाता है, वो सेक्टर 47 में भी मिलता है, वो पालम बिहार का रहने वाला है और हर जगह मिलता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका कहीं ना कहीं ये लोग भड़काने की कोशिश तो यही। ये व्यक्ति रहता है जो है सराय, ये सराय में रहता है और गुरुग्राम में जहाँ पर भी नमाज अदा होती है ये सब जगह पहुँचता है, चाहे 47 सेक्टर हो, चाहे सेक्टर 12 हो, चाहे सेक्टर 40 हो। इसको जो फंडिंग हो रही है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह और निवेदन कर रहे हैं शासन और प्रशासन से कि जो शहजाद नाम का व्यक्ति है इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है कि ये पूरे गुरुग्राम के अंदर इस प्रकार से लोगों के साथ ज़बरदस्ती करके, अभी आपने मुस्लिम परिवार से जानकारी ली है उनको भी ज़बरदस्ती जो है इसने यहाँ पर नमाज अदा कराने का प्रयास कर रहा है, लगातार शहर का वातावरण जो खराब कर रहा है ये शहजाद नाम का व्यक्ति कर रहा है। तो क्या इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से, आज जैसे परिजनों से बात हुई है उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से भी शासन और प्रशासन भी आगाह हो, और हम तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन देंगे ही देंगे कि इसकी आदमी की जाँच होनी चाहिए, ये आदमी शहर का माहौल खराब कर रहा है। ठीक, सब बातें अपने मीडिया के सामने बताई गई थी, आप लोग देख भी रहे थे, समाज भी देख रहा है, गुड़गांव शहर भी देख रहा है कि माहौल खराब कौन कर रहा है। माहौल खराब मुस्लिम समुदाय से जो नाम उसका शहजाद नाम का जो आदमी है, माहौल खराब करने की वो कोशिश कर रहा है। आज जो मुस्लिम परिवार यहाँ जिनका व्यापार है उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था आग्रह करके कि आप यहाँ आओ, उस दिन जो हमने ऐतराज़ किया यहाँ नमाज ना पढ़ी जाए, आज से 3-4 वीक से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, लगातार ये विरोध कर रहे हैं। इस्लाम भाई इस दुनिया में नहीं है, उनके 3-4 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। वैसे तो उनको खुद ही शर्माने चाहिए जिनके बच्चों के ऊपर से बाप का साया 4 महीने पहले उठाओ, उन बच्चों को आज परेशान किया जा रहा है। इन्होंने आग्रह किया, वो अम्मा जी ने भी आग्रह किया कि बेटा हमारा साथ दो, यहाँ नमाज ना पढ़ी, हमारा बिजनेस तो खराब हो ही रहा है, यही हालत हम यहाँ से अपनी दुकानदारी खाली करके कहीं और चले, भूखे मरे। तो देश में जो माहौल चल रहा है कि गुरुग्राम पूरा हॉट पे है, हॉट स्पॉट बना हुआ है कि यहाँ हिंदू रक्षा दल के जो लोग हैं वो नमाज नहीं होने दे रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये कहीं भी जाके मस्जिद में नमाज करे किसी हिंदू का कोई एतराज नहीं है। जैसे हिंदू लोग हैं मंदिरों में जाके अपनी पूजा पाठ करते हैं, इनको क्या शोक चढ़ाए जो रोड पे करते हैं। हम चाहते हैं कि अपने मस्जिद में खूब नमाज अदा करें, कोई दिक्कत नहीं है, और शांतिप्रिय तरीके से कहीं भी करें। इनको एक दिन के लिए परमिशन दी गई थी गुड़गांव में, जहाँ भी रमजान के महीने में जो नमाज अदा करी जाती है, एक दिन के लिए परमिशन दी गई थी, उसको रेगुलर बना दिया, ऐसा क्यों? आपने पूरी तस्वीर देखी और विगत कई सालों से आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम यह नहीं कह रहे कि इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है या फिर मुस्लिम संगठनों का, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी खबर को और लोगों से बात करके ग्राउंड पर पहुँच कर यह तो साफ हो गया है और यह साफ लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई व्यक्ति बाहर का है और जगह जगह पहुँचता है अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ, और नमाज के नाम पर ये
विरोध करता है या नमाज करवाता है, तो वह साफ लग रहा है कि इसको कहीं ना कहीं ये कोई बड़ी मंशा है और निश्चित तौर पर गुरुग्राम का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही एक ये देखिए दिखा भी रहे हैं भाई साहब कि किस तरह से जो परमिशन था इन्हें, जिस परमिशन का हवाला दिया जा रहा है वो परमिशन था केवल जो ईद की नमाज होती है उसके लिए था कि एक दिन के लिए जो भीड़ इकट्ठा होती है तो वो व्यक्ति कहीं कर दे, उसके लिए जगह सुनिश्चित की गई थी। लेकिन उसका किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, गलत फायदा उठाया जा रहा है और अब चौक चौराहों पर या कहीं भी सरकारी लैंड हो उसकी वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पहले 2 की संख्या में पहुँचते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ 2000 की संख्या हो जाती है और खुले में किस तरह से नमाज अदा किया जाता है और नमाज से कितनी परेशानी होती है वे लोग ये नहीं सोचते कि ये लोग जो जिनकी दुकानें हैं यहाँ पे, जिनको उससे दिक्कतें हो रही हैं वो उनके कौम का हैं, वहाँ उन्हें कौम भूल जाते हैं, वो अपने कौम की बात भूल जाते हैं, वहाँ तो उन्हें केवल मात्र रंजिश फैलाना होता है और किसी साजिश के तहत एक बड़ा कोई बड़ा कारनामा करने के फिराक में लगे हैं। फिलहाल हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी चूँकि इस शुक्रवार को भी देखना होगा, नमाज अदा होनी है और हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि इस बार खुले में नमाज वो नहीं होने देंगे, तो देखना है। चलिए हम आपको इसका पल पल का अपडेट करते रहेंगे, फिलहाल देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।